हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलिप्स के बारे में। इलिप्स क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कॉनिक सेक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें दो टर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। वन इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड अनदर इज द फिक्स्ड लेंथ। जो हमें फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और जो फिक्स्ड लाइन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो इलिप्स का डिफिनेशन जो होता है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ एक्स वाई प्लेन मूव्स इन अ एक्स वाई प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे हम ग्राफ में देख रहे हैं कि एक पॉइंट पी है जो एक्स वाई एक वेरिएबल पॉइंट है, और हमारे पास एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है। एस इज द फिक्स पॉइंट एंड द लाइन एल इज द फिक्स लाइन। तो फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं। हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। तो फिक्स लाइन का जो वैल्यू है वो एक्स इक्वल टू ए बाई, मैं अभी ए को मेजर एक्सिस ले रहा हूँ, वाई को माइनर एक्सिस ले रहा हूँ, इसलिए ए और बी दो टर्म आएगा। तो ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, तो एक्स इक्वल टू ए बाई ई जीरो और फोकस हो जाएगा ई जीरो। तो यहाँ पे ई जो टर्म है वो इसेंट्रिसिटी है, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी लेस देन वन होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से पी एस का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर फार्मूला से हम लोग पी एल निकाल सकते हैं। सो हम लोग जो पी एस आगे जो हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो है कि पी एस बाई पी एल इक्वल टू ई। सो आगे हम लोग जब फर्दर कर रहे हैं तो इस इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू वन में। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर है उसको हम लोग बी स्क्वायर मान लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस का एक मेजर जो रिलेशंस है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इस पे प्रॉब्लम आ चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं, बी इज द सेमी माइनर एक्सिस एंड ए इज द सेमी मेजर एक्सिस एंड ई इज द इसेंट्रिसिटी। तो जो बी का जो वैल्यू होता है वो ए से छोटा होता है, तो जो ई का वैल्यू निकलेगा ई स्क्वायर इक्वल टू वो निकल जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, सो इट इज लेस देन वन। सो द इक्वेशन कम्स टर्म फ्रॉम द एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज द सेमी माइनर एक्सिस। अब हम लोग देखेंगे एक ग्राफ, ये इलिप्स कैसा होता है। तो ये एक फोटो देख रहे हो, ये इलिप्स का पिक्चर है। यहाँ पे दो एक्सिस दिखाया गया है, एक सेमी मेजर एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है। तो जिधर जिसका वैल्यू ज्यादा होता है, मतलब जो बड़ा सा, जिधर इलिप्स हॉरिजेंटल, यहाँ पे हॉरिजेंटल साइड जो है वो मेजर एक्सिस के लिए है और जो वर्टिकल साइड है वो माइनर एक्सिस के लिए है। इसका फोकस जो होगा वो ए जीरो होगा, प्लस माइनस ए जीरो, और इसमें जो सेमी मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है प्लस माइनस ए जीरो है, और सेमी माइनर एक्सिस का जीरो प्लस माइनस बी, एस इज अ फोकस। तो लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस होता है वो टू ए होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है वो टू बी होता है। नाउ कम्स टू द बिगर फिगर, दिस इज द ऑल्सो फिगर ऑफ इलिप्स एंड वी डिफाइन द वेरियस टर्म्स। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये इलिप्स है, तो जो जीरो जीरो है इसका सेंटर होगा, एस और एस डैश जो हमें दिख रहा है वो हमारा फोकस है, प्लस माइनस ए जीरो माइनस ए जीरो प्लस ए जीरो। तो अब इसमें बात करते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ द जो एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो इलिप्स मेजर एक्सिस में दो एंड पॉइंट देगा, प्लस माइनस ए जीरो, और माइनर एक्सिस में देगा प्लस माइनस जीरो 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 प्लस माइनस बी। अब क्या होता है कि इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, क्योंकि ये जो फिगर है वो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन का है, और यहाँ पे ए इज द मेजर सेमी मेजर एक्सिस, तो ए ग्रेटर देन बी होगा। सो दिस इक्वेशन कम्स एंड यहाँ से अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट निकाल। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है कि अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू फोकस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम, और एक टर्म आता है फोकल कॉर्ड। अ लाइन विच इज पास थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। सो लेटेस्ट रेक्टम इज ऑल्सो अ फोकल कॉर्ड, बट ऑल फोकल कॉर्ड नॉट अ लेटेस्ट रेक्टम। सो लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ हो जाएगा वो टू बी स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। हम लोग क्या किए,
ए का जो वैल्यू है इक्वेशन में रख देते हैं, ए फोकस का किसी एक वैल्यू, एक्स का वैल्यू रखें, ए ही रखें, और वाई फाइंड आउट किए, तो वाई आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, यानी ए प्लस बी स्क्वायर बाय ए, और नीचे माइनस ए और बी स्क्वायर बाय, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2b² / a हो जाएगा। तो दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। नाउ अनदर फिगर, दिस इज द वर्टिकल इलिप्स। वो जो पहले देख रहे थे वो था हॉरिजेंटल इलिप्स, अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है वर्टिकल इलिप्स। यहाँ पे क्या होगा, सेम इक्वेशन रहेगा, बस यहाँ पे b बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही b बड़ा हुआ, तो अभी हम लोग सब x एक्सिस के टर्म में देखे थे, मेजर एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ बदल जाएगा। जो ए के टर्म में आ रहा था वो चीज अब हमें बी के टर्म में आएगा, जो बी के टर्म में आ रहा था वो अभी हमें ए के टर्म में आएगा। जैसे फोकस अब हो जाएगा 0 ± b, यानी जो एक्स एक्सिस के टर्म में आ रहा था वाई एक्सिस के टर्म में आएगा। तो अब इसमें जो लेटेस्ट रेक्टम है इसका जो हो जाएगा इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ±a² / b। नाउ वी विल डिस्कस्ड अबाउट द इसेंट्रिसिटी विच इज ऑल्सो लेस देन 1, सो बी इज ए ग्रेटर देन 1। नाउ वी गो टू द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब हम यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। देखिए स्क्वायर का भी टर्म है और बीच में प्लस भी है, तो क्यों ना हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को कॉस थीटा मान लें, एक कॉस स्क्वायर थीटा मान लें, और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा मान लें। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आ जाएगा बी कॉस थीटा। अब जो टर्म आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स। तो टेंजेंट और नॉर्मल डिस्कस करने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि ये होता क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंट के बारे में, कि सपोज एक इलिप्स है, यहाँ पे फिगर नहीं बनाया गया है, फिगर आप लोग एज्यूम करो कि सपोज एक इलिप्स है, इलिप्स पे एक लाइन टच करते हुए जाता है एट पॉइंट x1 y1 से, तो वो उसका जो इलिप्स का इक्वेशन था x² / a² + y² / b² = 1। तो टेंजेंट ऑफ द एलिप्स जो हो जाएगा वो x(x1) / a² + y(y1) / b² = 1 हो जाएगा। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म, x1 को रिप्लेस कर दो a cos थीटा से और y1 को रिप्लेस कर दो b sin थीटा से, तो दिस इक्वेशन टर्म्स फ्रॉम x(a cos θ) + y(b sin θ) = 1। नाउ वी कम फ्रॉम द स्लोप फॉर्म। सो अब क्या होता है कि सपोज एक लाइन ले लो y = mx + c इज द टेंजेंट ऑन द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। तो सिंपल सा बात है कि वो जो टेंजेंट है वो इलिप्स को टच करके जाएगा, तो mx + c जो वाई का वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब इसको ये सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स कि हम वाई के जगह mx + c रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, a² (m²) + b² (x²) + 2 a(m²)(c(x)+ a²(c²) - a²(b²). अब सिंपल सा बात है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट सिंगल आए, एक रूट आए और इक्वल रूट है, रियल है, इक्वल है, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल, अगर मैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखूँ, तो कैपिटल ए इक्वल टू मैं लिखूंगा a² (m²) + b², कैपिटल बी इक्वल टू लिखूंगा 2 a² (mc) और सी इक्वल टू लिखूंगा a² (c²) - a²(b²). सो अब हम बता सकते हैं अगर डी 0, यानी कैपिटल बी का स्क्वायर माइनस 4ac = 0, दिस इज द b² - 4ac = 2। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमने पाया c² = a² (m²) + b², डेट मीन c = ± √a² (m²) + b². तो अब हम इक्वेशन जो लिखे थे y = mx + c, वो इक्वेशन बदल जाएगा और वो इक्वेशन अब आ जाएगा y = mx + √a² (m²) + b². अब सीधी सी बात है, ये हुआ जब हमारा टच करेगा। एक ऐसा भी केस आएगा जब वो लाइन हमें इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा इलिप्स का। जब इंटरसेप्ट करेगा तो सिंपल सा बात है, एक्स का हमें दो वैल्यू मिलेगा। जब इलिप्स पे इंटरसेक्ट करेगा तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इस, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा। जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा a² (m²) - c² + b² > 0, यानी आ जाएगा c² < a² (m²) + b², सो c < ± √a²
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ इसी तरह जब ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा तो सिंपल सवाल, जब हमें कोई भी रूट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इमेजनरी होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। तो सिंपल सा बात है कि ये इलिप्स है, देखिए जहाँ पर छोटा सा फिगर में दिखाया गया है, जो पॉइंट एक्स वन वाई वन है वहाँ से एक टेंजेंट गया है और उस पर जो परपेंडिकुलर जाएगा वो नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये मुझे पता है। तो इसका स्लोप हम निकाल लेंगे, जो एम ऑफ टी जो दिखा रहे हैं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, माइनस बी स्क्वायर एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वन। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो एम एन आ जाएगा ए स्क्वायर वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एक्स वन। हमें पता है कि वेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू माइनस वन। सो एम टी इंटू एम एन इक्वल टू माइनस वन, वहाँ उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एम एन ए स्क्वायर वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वेशन। अब हमें यह भी पता है कि अगर हमें पॉइंट एक गिवेन हो और अगर हम उसका लाइन का स्लोप भी पता है, पॉइंट पॉइंट ऑफ जहाँ से पॉइंट वो पास कर रहा है वो भी पता है, तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट एक्स वन वाई वन पता है जहाँ से नॉर्मल पास कर रहा है और इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है जो दिया हुआ है ए स्क्वायर वाई वन बाई बी स्क्वायर एक्स वन। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन बाई बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से अब हमारा जो आ गया वो आ गया वाई माइनस वाई वन बाई ए स्क्वायर वाई वन और एक्स माइनस एक्स वन बाई बी स्क्वायर एक्स वन। इसको और अच्छे से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को उधर भेज दो, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को वाई की तरफ भेज दो, एक्स और ए स्क्वायर को एक्स की तरफ भेज दो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म। अब एक्स वन को ए कॉस थीटा रख दो, वाई वन को बी साइन थीटा रख दो, तो और उसको फिर प्रोसीड करोगे इस इक्वेशन को तो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा। और एम इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है टेन थीटा, तो यहाँ से फिर टेन थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कॉस थीटा या जो भी है कॉस थीटा और साइन थीटा आप यहाँ से फाइंड आउट करो या सेक जो भी आएगा, तो वहां से आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। सो दिस इज द बेसिक इलिप्स जिसके बारे में, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में हमने देखा, उसका इक्वेशंस के बारे में देखा, जनरल इक्वेशन क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का नेचर कैसा होता है, लेटस रेक्टम कैसा होता है। अब हम लोग जो बात करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन तो हम लोग देख लिए, एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, अभी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस बाद में करेंगे, हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो अब आता है पेयर ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब दो टेंजेंट होगा एक इलिप्स पे तो क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए इस जो फिगर में दिख रहा है, ये फिगर को अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन है जो एच के होके पास कर रहा है एक्स वन वाई वन से, और एक्स वन वाई वन से दूसरा लाइन है जो दोनों टच कर रहा है इलिप्स को, लेकिन उस लाइन का इक्वेशन हम मान लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और एक्स वन वाई वन से अगर जो वहाँ पे फर्स्ट जो टेंजेंट जा रहा है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे तो आ जाएगा x एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये जो है हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हम c के जगह पे लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस जो इक्वेशन है स्लोप फॉर्म से, वहाँ से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जो स्लोप आ गया, ये जो पॉइंट है एच के से पास करता हुआ जा रहा है एक्स वन वाई वन है, तो के माइनस वाई वन या वाई वन माइनस के बाय एच एक्स वन माइनस एच, ये स्लोप आ गया। अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से या टू पॉइंट फॉर्म से भी हम इसको लिख सकते थे। तो इस इक्वेशन हम लोग लिखे और आगे हम लोग प्रोसीड किए तो हमने ये जो इक्वेशन पाया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका एम इसका जो c है उसको इस c से कंपेयर कर दो, तो आफ्टर कंपेयरिंग और m को m से कंपेयर कर दो तो हमें m का भी वैल्यू मिल जाएगा तो और c का भी वैल्यू मिल जाएगा। बाद में दोनों वैल्यू a b a जैसे इसको x1 y1 के टर्म में फिर यहाँ पर वो सेट कर देंगे, तो हम लोग पाते हैं कि ये टर्म फाइनली सॉल्व होके जो आता है वो s s1 इक्वल टू t स्क्वायर होता है। डैट मीन्स बोलने का मतलब है s इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन इंटू एस वन एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी स्क्वायर रहता है। टी अभी हम लोग पॉइंट फॉर्म में पढ़े थे एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन टू द होल स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का।
तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जब पेयर ऑफ टेंजेंट जाता है उसको एक लाइन इंटरसेक्ट किया, तो दैट मीन्स देखिए जो सेकेंड फिगर है वहाँ पे दो टेंजेंट्स है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एक्स प्राइम वाई प्राइम और एक्स डबल प्राइम वाई प्राइम से पास कर रहा है। तो हम अगर इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें तो देख रहे हैं टेंजेंट का जो पॉइंट ये टेंजेंट से का लाइन से दोनों पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब एक्स प्राइम वाई प्राइम इससे पास कर रहा है, यानी एक्स एक्स प्राइम एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई प्राइम वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। सिमिलरली एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम भी इससे पास करेगा, इक्वेशन ये भी टेंजेंट का ही इक्वेशन है, तो ये बन जाएगा एक्स डबल प्राइम एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई डबल प्राइम वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स वन तो कॉन्स्टेंट है, एक्स प्राइम वेरी कर रहा है, तो अगर मैं दूसरे पॉइंट पे लेता, दो अलग पॉइंट पे लेता, तो भी एक्स वन कॉन्स्टेंट रहता, एक्स प्राइम वेरी करता। तो एक्स क्योंकि ये इस वेरिएबल आ रहा है, एक में एक्स प्राइम आ रहा है, एक में एक्स डबल प्राइम आ रहा है, अगर मैं एच के लेता तो एच एक्स वन आता, बाद में एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी पहले देख रखा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। देख लिया, अब क्या होगा कि एक कॉर्ड देगा जिसका मिड पॉइंट दे देगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉर्ड बाइसेक्टेड द गिवन पॉइंट। तो सिंपल सा बात है, इसमें देखिए तीन पॉइंट हमें दिया हुआ है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री ए बी सी। सी है, सी जो पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट यानी ए सी इक्वल टू बी सी है, और इसका इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। नाउ हम लोग बात करते हैं कॉर्ड बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट। तो सिंपल सा बात है कि ये जो पॉइंट है एक्स टू और एक्स थ्री ये इलिप्स में लाई कर रहा है एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री, तो ये इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो इक्वेशन वन है वो आ गया एक्स टू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई टू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी एक्स टू वाई टू सेटिस्फाई किया। इसी तरह एक्स थ्री वाई थ्री भी सेटिस्फाई करेगा, तो आ जाएगा एक्स थ्री स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब मैं कहता हूँ कि दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो सब्सट्रैक्ट करने से फायदा ये होगा कि वन वाले टर्म कट जाएगा और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स थ्री स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसी के टर्म में यहाँ पे लिखा गया है। अब हमें इसको एक्स वन वाई वन के टर्म में लाना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो एक्स वन है वो एक्स टू और एक्स थ्री का मिड पॉइंट है, यानी एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू इक्वल टू एक्स वन होगा, तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री को टू एक्स वन लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ टू एक्स वन लिखूँ, यहाँ पे टू वाई वन लिखूँ, तो ये टर्म आगे प्रोसीड होकर ये वाला आ जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू इंटू टू एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू इंटू टू वाई वन बाय बी स्क्वायर। अब इसको मैं वाई वाले टर्म को राइट साइड में भेजा तो एक माइनस आ गया, और यहाँ से टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से वाई थ्री बाय वाई टू और एक्स थ्री बाय एक्स टू निकाला, जो स्लोप है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स वन बाय वाई, ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। तो अब मुझे स्लोप पता है, एक पॉइंट एक्स वन वाई वन पता है, तो हम इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिख सकते हैं। तो जब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखेंगे तो हम पाएंगे कि ये वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस, देखिए एक मैं प्रोसीड किया तो फाइनली ये आ जाता है एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। सॉरी ये कुछ और आ गया, हम लोग देखते हैं इसी को मैं बढ़ाता हूँ। तो अगर ये यहाँ पे देखिए वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस ये आ गया वाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो जो एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को राइट साइड भेज दो तो आ जाएगा उधर एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के बीच में प्लस रहेगा, और माइनस एक्स वन एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो बन जाएगा एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब दोनों साइड एक माइनस कर दो तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टी इक्वल टू एस वन में, जो यहाँ पे दिखाया गया है ये देखो, तो ये आ गया टी इक्वल टू एस वन। नाउ वी विल प्रोसीड द डायरेक्टर सर्किल। तो डायरेक्टर सर्किल बतलाता ये है कि एक इलिप्स रहेगा, उस पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, अगर वो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हुआ तो इलिप्स के जो सेंटर है और
इसके पे जो आएगा परपेंडिकुलर जहां पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसको रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करो, वो सर्किल कहलाएगा डायरेक्टर सर्किल। तो अब हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये फिगर में जो पीटी है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, एनटी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, उसके बाद पीजी लेंथ ऑफ नॉर्मल है और जीएन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या क्या होता है, तो ये हम लोग लिख दिया। और यहाँ पे दो ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में हम लोग जो निकालना हो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर दो लाइन दिया रहेगा तो हम लोग इलिप्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो अगर हमारे पास दो लाइन परपेंडिकुलर लाइंस है, a1x + b1y + c1 = 0, और तो दूसरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, b1x - a1y + c2 = 0। अब मान लो कि एक पॉइंट P है जो एक्स वाई है, जो जैसे हम यहाँ पे इलिप्स में दिखा रहे हैं, तो उससे ए जो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो मान लो एक तरफ कैपिटल एक्स मिल रहा है, एक तरफ कैपिटल वाई मिल रहा है, तो जो एक्स और वाई मिलेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, जो ऑलरेडी यहाँ पे देखो निकाला गया है, और फिर इसको हम लोग पुट कर देंगे, यानी PM² / A² / PN² / B² = 1 होता है। तो PM और PN हम लोग निकाल लेंगे, एम है वाई एक्सिस की तरफ है तो एक्स निकल जाएगा, एन एक्स एक्सिस की तरफ है तो वाई निकल जाएगा। तो ये जो है ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगा, लेकिन दो लाइन रहेगा। तो अभी तक हम जितना पढ़ते हैं उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता है, लेकिन एक्सिस नहीं है या दो लाइन है, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू।